एवरी वन सो वंस अगेन वेरी वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम करने वाले हैं परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओके सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज देअर हाउ मनी थ्री डिजिट इन कैन बी फॉर्म फ्राम द डिजिट वन टू थ्री फोर फाइव सेवन इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड सो लेट्स टू दिस क्वेश्चन ओके सो वॉट इज द क्वेश्चन कि आपको यहाँ पे थ्री डिजिट इवर नंबर्स फॉर्म करने हैं ओके कैन बी फॉर्म सो इवन नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि वो इवन नंबर कब होगा जब उसका लास्ट डिजिट है वो इवन होगा टू से डिविजिबल होगा या राइट सो यहाँ पे हमारे पास डिजिट्स हमें गिवन है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सेवन सो यहाँ पे और हमें बताया हो कि हुआ है कि हम डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं डिजिट्स कैन भी रिपीटड सो डिजिट्स कैन बी रिपीटेड ओके okay? तो यहाँ पे हम डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं सो लास्ट डिजिट होना चाहिए वो इवन नंबर होना चाहिए सो so, यहाँ पे टू एंड फोर ही हैं जो टू से डिविजिबल हैं और इवन नंबर्स हैं सो यहाँ पे हमारे पास कितने पॉसिबल केसेस होंगे लास्ट में टू एंड हेयर वी हैव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड इन फर्स्ट डिजिट वी हैव सिक्स पॉसिबल केसेज एंड डिजिट कैन भी रिपीटेड सो अगेन देयर आर सिक्स पॉसिबल केसेस सो दिस इज़ योर आंसर

के बाद रखना है ओके वट आई वॉन्ट टू सी लेट्स डू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू ओके सो आपको एक फ्लैग को दूसरा दूसरा फ्लैग को एक फ्लैग के आगे रखना है वन बिलो द अदर रखना है ऑन अ वर्टिकल स्टाफ सो सबसे पहले हमारे पास जो पॉसिबल केसेस होंगे जब हम टू फ्लैग्स को रख रहे हैं ओके okay. टोटल हमारे पास फ्लैग्स कितने हैं फाइव या फाइव फ्लैग्स आर देयर सो टू पॉसिबल केसेज वैन देयर आर सो फाइव इंटू फोर इज़ ट्वेंटी जब हम थ्री फ्लैग्स को रख रहे हैं और एटलीस्ट उसमें टू फ्लैग्स तो होने ही होने चाहिए वन बिलो द अदर सो देयर कैन बी थ्री पॉसिबल केसेज एक के बाद एक के बाद दूसरा देन दूसरे के बाद दूसरा या सो अगेन फाइव इंटू फोर इंटू थ्री सो सिक्सटी इज़ द आंसर देन नेक्स्ट नाउ देयर आर फोर फ्लैग्स जब हम फोर फ्लैग्स को रख रहे हैं थ्री uh, हमारे पास फोर पॉसिबल केसेस हैं जस्ट वेट फॉर टू मिनट्स सो अब हमारे पास फोर फ्लैग्स के पॉसिबल केसेस हम देख रहे थे सो फोर पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास देन फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू एक दूसरे के बाद होना चाहिए मतलब दूसरा एक के बाद पहले के बाद होना चाहिए सो दैट मीन्स वो रिपीट नहीं होना चाहिए सो फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू नेक्स्ट हमारे सिक्स सिक्स टू जो ट्वेल्व वन ट्वेंटी देन अगेन वेन देयर आर फाइव फ्लैक्स ओके नाउ नेक्स्ट पॉसिबिलिटी सो वन टू थ्री फोर फाइव सो फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन अगेन वन ट्वेंटी सो हाउ मेनी आउटकम्स शुड बी देअर टोटल फ्लैग्स ओके जब हम एक को दूसरे के बाद रखेंगे

इतने पॉसिबल केसेस बनाए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री आता है हाउ मनी सेवन डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड हमें सेवन डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है और डिजिट्स कहाँ से लेके कहाँ तक यूज़ करने हैं जीरो से लेके कर नाइन तक इट मीन्स टोटल डिजिट्स आर टेन इफ़ ईच नंबर स्टार्ट्स विद ज़ीरो वन सिक्स फोर अगर हर नंबर है वो जीरो वन सिक्स फोर के साथ वो फिक्सड है वो स्टार्ट हो रहा है और कोई भी डिजिट है वो दोबारा नहीं आना चाहिए सो लेट सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस सो आपको यहाँ पर सेवन डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है लेट्स टू द नेक्स्ट सो क्वेश्चन नंबर थ्री सेवन डिजिट आपको टेलीफोन नंबर बनाना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सो जहाँ पे जीरो वन सिक्स फोर क्या है आपका फिक्स्ड है उसके बाद आपके पास टोटल डिजिट्स कहां से ले कहां तक है? जीरो से लेके लेके तक तक। हैं? हैं। जीरो आपके पास टेन टेन सो सिक्स so, so, अब so, so, यहाँ पे, तो पे, पे भी यूज हो गया तो कितना रह गया फोर सो सिक्स फाइव इज थर्टी फोर्थ वन ट्वेंटी इज द आंसर नाउ लेट्स कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ so your question number 4 is on your screen so let's see solve this question okay so question number 4 1 by 8 factorial plus 1 by 9 factorial which is equals to x by 10 factorial we have to find the value of the x हमें x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है ओके सो लेट्स सी सो सबसे पहले हम वन बाई एट फैक्टोरियल सो वन बाई नाइन फैक्टोरियल को हम नाइन इंटू एट फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं देन x बाई टेन फैक्टोरियल को हम टेन इंटू नाइन इंटू एट फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं सो so, लेट्स हम यहाँ पे क्या करते हैं वन बाई एट फैक्टोरियल को कॉमन निकाल लेते हैं सो so, यहाँ पे बच गया वन वन बाई नाइन अपॉन एक्स इंटू टेन इंटू नाइन इंटू एट फैक्टोरियल सो वन बाई एट फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई टेन बाई नाइन अब यहाँ इसको हम ऊपर ले जाते हैं सो टेन इंटू नाइन इंटू एट फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू एक्स सो नाइन से नाइन कट किया एट फैक्टोरियल से एट फैक्टोरियल कट किया सो आंसर वुड बी दंड्रेड एक्स इज इक्वल टू हंड्रेड इज द आंसर सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन now question number नंबर is on your screen so you can see here how many numbers lying between 100 and 1000 हंड्रेड 100 और थाउजेंड के बीच में कितने नंबर्स हैं वो लाई करेंगे कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इफ द रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड यहाँ पे हम डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते और हमें नंबर्स गिवन है जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव एंड सिक्स सो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात कर रहे हैं सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ये कहता है कि आपके पास यहाँ पे हंड्रेड एंड थाउजेंड के बीच में आपको नंबर्स लाए कर रहे हैं आपके और आपको नंबर्स डिजिट्स यूज़ करने हैं वो है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स और कोई भी डिजिट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए सो so आपको पता है हंड्रेड और थाउजेंड के बीच में आपके पास तीन नंबर्स होंगे ऑब्वियसली तीन ही नंबर्स होंगे जिनमें से आपको इन डिजिट्स में से यूज़ करना है सो so, यहाँ पे फर्स्ट केस में हम फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में जीरो को यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज देर इज़ नो वैल्यू ऑफ द जीरो अगर हम आगे जीरो लिख देंगे तो वो फिफ्टी सिक्स बनेगा अगर हम मान लो हमने ज़ीरो फाइव सिक्स लिख दिया तो यहाँ पे ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं रहेगी यहाँ पे सिर्फ टू नंबर्स रह जाएंगे दैट मीन्स दिस इज़ अ रॉन्ग सो आपको यहाँ पे कितने बनाने हैं तीन और पहले में आप ज़ीरो पुट नहीं कर सकते सो so, आपके पास कितने पॉसिबल केसेस बचे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो सिक्स पॉसिबल केसेस बचे आपके पास फर्स्ट वाले में अब आपके पास टोटल डिजिट्स कितने थे सेवन जिनमें से आपका एक यहाँ पे यूज़ हो गया तो अगेन कितने बचे सिक्स देन अब दो यहाँ पे यूज हो गए सेवन भी हो गया सिक्स भी हो गया तो so, सेवन एक पॉसिबल केस यहाँ पे यूज़ हो गया और एक यहाँ पे यूज़ हो गया तो so, कितने बचे फाइव सो सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स इन फाइव इज़ वन एटी 180 is your answer. So, this is your part one, and part two we will continue on next video. Okay, bye bye.